जब मैं नई नई मदर बनी थी तो मेरे लिए एक सिचुएशन थोड़ा सा पैनिक हो गई थी। जब मैं बेबी को फीड कराने जा रही थी तो मुझे मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो ऐसे में मैं पैनिक बिहेव कर रही थी। तो मैंने उस टाइम थोड़ा पैनिकली बोला कि नहीं, फीड मिल्क नहीं हो रहा है, बेबी को फीड नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे इससे प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरे को उस टाइम तरह तरह के लोगों ने भी कहे कि आप ये खाइए वे खाइए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो नहीं प्रॉपर मिल्क बन पा रहा था। तो मैंने वहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन और डाइट बताई मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो मैंने उनके अकॉर्डिंग अपनी डाइट ली और फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ऐसा मैं जो न्यूली जो अभी मदर बनी है उनसे ये बताना चाह रही हूँ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज़ आप पैनिक मत होइए। पैनिक होने से सिचुएशन और बिगड़ जाती है। तो आप अपनी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट जिनसे आपकी मेडिकल चल रही है दवा या फिर जिनसे आपका ट्रीटमेंट चालू हुआ है, आप उनसे कंसेंट करिए, वो एक आपको अच्छी सलाह देंगे। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी और मुझे ब्रेस्टफीडिंग कराना था, तो मेरे जो न्यू सर्कल के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बोला कि यार तू ब्रेस्टफीडिंग करा रही है, तेरा वेट गेन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ये वेट का लॉस हो जाएगा। तो मैं बहुत वो हो गई थी, पैनिक हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप ब्रेस्टफीडिंग कराइए, उससे आपको फ़ायदा है, बेबी को भी फ़ायदा होगा। हर एक मदर का जो जर्नी होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक का प्रॉब्लम अलग होता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आस पड़ोस में किसी से मत पूछिए, आप डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग वीक फर्स्ट अगस्त से 7th अगस्त के बीच में हम सारी माओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को दूध जरूर पिलाएं। नया बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको वो पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें IGA मिलता है जो कि बच्चे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। इसीलिए कई बार माएँ या उनके घर वाले कहते हैं ये वाला दूध मत पिलाओ, शुरू का दूध फेंक दो, लेकिन ये सब मिसकंसेप्शंस और ये सब मिथ्स हमें हटाने की ज़रूरत है। और भी कोई ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, माँ को बुखार आता है तो कई बार दूध बच्चे को नहीं पिलाती है कि कहीं बच्चे की भी तबीयत ना ख़राब हो जाए, उसके घर वाले कई बार कहते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे को मत पिलाओ, ये सारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हमें दूर करने की ज़रूरत है। इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, सबकी जर्नी अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप ज़रूर अपने नज़दीकी ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट या ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर से कंसल्ट करें। अगर हम गाय के या फिर बकरी के दूध में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो बेबी को इन्फेक्शन कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसे हम सेप्सिस बोलते हैं, तो काफ़ी समय तक उसको इलाज कराने के NICU या फिर हॉस्पिटल के हमें चक्कर काटने पड़ते हैं। दूध पिलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा माँ के लिए जो होता है वो ये कि कई तरह के कैंसर के रिस्क से बचाता है जब भी आप अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं। आपके खान पान में आपको ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हो सके पौष्टिक खाना खाना है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, आपको भी दूध का सेवन करना है, कैल्शियम आयरन, फलों का सेवन, मौसमी फल जो आते हैं फलों का सेवन करना है, खट्टे संतरे नींबू, इन सब फलों का सेवन भी आपको अपने आहार में शामिल करना है।